नमस्कार। जीत की और न हार की जिद है, जीत की और न हार की जिद है, दिल को शायद करार की जिद है। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल निगाह मैरिज हॉल। सबसे बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। आपको बता दूं कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, आज फैसले का दिन था, फैसला हो भी गया। 5 राज्यों के रिजल्ट आ गए। 5 राज्यों में कौन कौन सत्तासीन होगा, सत्ते पर कौन बैठेगा, इसकी जानकारी हम आपको दे दें। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस सत्तासीन होने जा रही है। तृणमूल कांग्रेस यहां के सिंहासन पर एक बार फिर बैठने जा रही है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। एक बार फिर से रिकॉर्ड कायम कर दिया है ममता बनर्जी ने, और यहां जीत कर उन्होंने दिखा दिया के व्हील चेयर पर बैठकर भी जीत हासिल की जा सकती है। आपको बता दूं कि जैसे ही जीत की खबर उन्हें मिली, ममता बनर्जी व्हील चेयर से उठकर खड़ी हो गई। और अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में भी जीत हासिल हुई है डीएमके को। यहां डीएमके की सत्ता बनेगी। केरल में लेफ्ट की सत्ता बनेगी पांडिचेरी, और असम में एनडीए की सत्ता बनने जा रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद आज फैसले का दिन था, फैसला हो गया। सबकी नजर लगी हुई थी पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल में सभी ने सोचा था कि यहां सत्ता परिवर्तन हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन आखिरकार यहां की जनता ने तृणमूल कांग्रेस को फिर से कबूल कर लिया। और यहाँ की जनता शायद ये चाहती है कि ममता बनर्जी एक बार फिर से यहाँ के सिंहासन पर बैठें और यहाँ की मुख्यमंत्री बने। लिहाजा ममता बनर्जी को जीत हासिल हुई। और सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि नंदीग्राम को लेकर पूरे देश की नज़र टिकी हुई थी नंदीग्राम पर। नंदीग्राम पर इसलिए नज़र टिकी हुई थी कि नंदीग्राम में एक तरफ ममता बनर्जी थी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे शुभेंदु अधिकारी, जो पहले तृणमूल कांग्रेस में ही थे। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर उन्होंने भाजपा का दामन पकड़ा और उनके खिलाफ यहां खड़े हो गए। लोग सोच रहे थे कि यहां कौन जीतेगा। आखिरकार 1200 वोटों से परास्त कर दिया ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को। उनके ही गढ़ में मेदिनीपुर के भूमिपुत्र शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी ने उनके ही गढ़ में परास्त कर दिया। और अब उनका रास्ता साफ हो गया है। ममता बनर्जी सत्तासीन होने जा रही हैं। बंगाल की सत्ता के सिंहासन पर बैठने जा रही हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के चुनावी महासंग्राम में आखिरकार बड़ी सफलता मिली तृणमूल कांग्रेस को, और तृणमूल कांग्रेस की सत्ता एक बार फिर से यहां बनने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ सीटें मिली। पश्चिम बर्धवान जिले की अगर बात करें, तो पश्चिम बर्धवान जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। उन 9 विधानसभा सीटों में से सबसे महत्वपूर्ण कुल्टी विधानसभा। कुल्टी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अजय पोद्दार ने जीत हासिल की है। उन्होंने यहां की जनता को धन्यवाद दिया है। हमारे संवाददाता से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि यहां की जनता ने उनका भरपूर साथ दिया, और वह कोशिश करेंगे कि कुल्टी की जनता को भी वह संतुष्ट कर सकें। ये पहला बार आप जीते, क्या बोलेंगे कुल्टीवासी को? कुल्टीवासी को असंख्य धन्यवाद। फोन किसका हुआ? अरे मेरा फोन तो हाथ दोनों फंसा हुआ। धन्यवाद किया जाए वो कम है। ये मेरी जीत नहीं है, कुल्टी के नगरवासियों की और ग्रामवासियों की जीत है। आपका इशू क्या रहेगा? इशू जो मेरा था वही रहेगा। जिन लोगों के पास घर नहीं है, घर, शौचालय, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ये प्राथमिकता होगी। स्कूल, कॉलेज, चिकित्सा क्षेत्र, ये उसकी बात की प्राथमिकता है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार बनने जा रही है, इसके बावजूद भी आप कुल्टी में कमल खिला है, कैसे काम करेंगे, स्थिति को कैसे संभालेंगे? देखिए, केंद्र राज्य का एक सहयोग होता है काम करने का। अगर आप अपने घर में भी अपने भाई के साथ नहीं बनती है, बोले हम आपको काम करने नहीं देंगे, घर में घुसने नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको फेडरल स्ट्रक्चर में बिलीव करना होगा और फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको काम करना देना होगा। और हम लोग काम करना जानते हैं, किस तरह काम लिया जाता है वो भी हम जानते हैं। धन्यवाद सर। विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अजय पोद्दार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी तृणमूल कांग्रेस के उज्ज्वल चैटर्जी को हरा दिया। और अब बात करेंगे जामुड़िया की। जामुड़िया में इस बार कांटे की टक्कर थी। देखा जा रहा था कि यहां से ओइशी घोष को
उम्मीदवार बनाया गया था संयुक्त मोर्चे की तरफ से, वहीं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हरे राम सिंह कॉन्टेस्ट में थे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तापस राय को उम्मीदवार बनाया गया था। बहुत ही कांटे का संघर्ष था, कांटे का संघर्ष हुआ भी और जमकर चुनाव प्रचार अभियान भी चलाए गए सभी पार्टीज की तरफ से, और आखिरकार जब रिजल्ट आया तो यहाँ से हरे राम सिंह को जीत हासिल हुई और यहाँ से हार का मुंह देखना पड़ा ओइशी घोष को। ओइशी घोष से हमारे संवाददाता ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि वह इसकी समीक्षा करेंगी और यह जानने की कोशिश करेंगी कि उनके हार के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्या वजह हो सकती है। वह पूरी तरह आशान्वित थी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बाराबनी की बात करें तो बाराबनी से विधान उपाध्याय जो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनके मुकाबले यहाँ पे खड़े थे भारतीय जनता पार्टी की सीट पर अरिजीत राय। अरिजीत राय को हार का मुंह देखना पड़ा और विधान उपाध्याय ने उन्हें हरा दिया। हमारे संवाददाता ने बातचीत की अरिजीत राय से और उनसे ये जानने की कोशिश की कि उनकी हार के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और इस हार को वह किस रूप में देखते हैं। की बोलबेन রেজাল্ট যথেষ্ট আশাতীত নয়, এটা আশা ছিল না। যাই হোক, যেটা মানে কী বলবো, গণতন্ত্রে জনতা জনার্দনের রায়কে মাথা পেতে নিতে হয়, তো সেটা আমরা নিচ্ছি। এবং আজকের এই রেজাল্ট থেকে আগামী দিনে পর্যালোচনার মাধ্যমে সংগঠনকে কীভাবে আরও শক্তিশালী মজবুত করা যায় সেই বিষয়ে আগামী দিনে পথ চলা হবে। ত্রুটিটা কোথায় রয়ে গেল? এটা এই মুহূর্তে তো বিশ্লেষণ করা মুশকিল। পরবর্তী ক্ষেত্রে সমস্ত রেজাল্ট নিয়ে আমরা বিচার বিশ্লেষণ করবো, সেখানে দেখবো আমাদের সাংগঠনিকভাবে কোথাও যদি কোনো ফাঁক ফোকর থেকে গেছে তো সেটা আগামী দিনে সেই ভুল ত্রুটি থেকে আগামী দিনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো সাংগঠনিকভাবে। লোকসভা নির্বাচনে দেখা গিয়েছিল যে এই আসানসোলের মানুষ দু হাত ভরে বাবুল সুপ্রিয়কে তথা বিজেপিকে আশীর্বাদ করেছিলেন, বিধানসভা নির্বাচনে কী এমন পরিবর্তন হলো যার জন্য এইরকম একটা রেজাল্ট? না দেখুন, আমাদের দেশের ফেডারেল স্ট্রাকচার, প্রত্যেকটা নির্বাচনের একটা আলাদা আলাদা পরিকাঠামো আছে, পরিবেশ আছে। তো লোকসভা নির্বাচনটা দেশের সরকার গঠনের নির্বাচন, সেক্ষেত্রে মানুষ অন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যের প্রেক্ষাপটে বিধানসভা নির্বাচন, আমরা আশা করেছিলাম মানুষ পরিবর্তন করবেন, কিন্তু কোথাও যাই হোক যদি হয়েছে সেটা এই মুহূর্তে তার যেটা রায় সেটা তো মাথা পেতে নিতে হবে। বাকি আগামী দিনে এই আজকের এই যেখান থেকে বিচার করে দেখব, যদি আমাদের কোথাও ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে সেখান থেকে আগামী পথ চলা শুরু করবো নতুন। आसनसोल नॉर्थ से इस बार श्रम व कानून मंत्री मलय घटक मुकाबला कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी का। दोनों में कांटे का संघर्ष था, दोनों तरफ से बहुत ही धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार अभियान भी चलाया जा रहा था। आखिरकार जब परिणाम आया तो मलय घटक को जीत का सहरा मिला। मलय घटक यहाँ भारी मतों से जीत गए और उसके बाद विरोधी खेमे में मायूसी भी पसर गई। मलय घटक के लोगों में, उनके समर्थकों में काफी उत्साह पसर गया। आप देख सकते हैं इन दृश्यों में कि मलय घटक के समर्थकों में और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों में यहाँ किस तरह से जोश दिख रहा है, उत्साह दिख रहा है। इस दौरान हमारे संवाददाता ने मलय घटक से भी बात की। मलय घटक ने सभी को धन्यवाद दिया, अपने विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों को उन्होंने शुक्रिया कहा। রাজ্যের মানুষ প্রমাণ করে দিয়েছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে আর কেউ নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি যে আস্থা তারা দেখিয়েছেন, 200 বেশি আসনে প্রার্থীরা জয়ী হয়েছে। মোবাইল দেখ না, পাইলে বিজেপি কিছু টিভির চ্যানেলকে কিনে নিয়ে
কিছু যারা সেন্ট্রালের মিনিস্টারকে নিয়ে এসে যে অরাজকতার সৃষ্টি করেছিল তার যোগ্য জবাব বাংলার মানুষ দিয়েছে। বঙ্গাল কে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা মে কুল 31 সিটো কে লিয়ে মতদান হুয়া। और कमाल की बात यह है कि 31 सीटों में से 31 सीट पर तृणमूल कांग्रेस को सफलता मिली है। भाजपा और दूसरे दलों के किसी भी उम्मीदवार को यहां जीत का मुंह देखने को नहीं मिला। 31 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिल गई। हमारे संवाददाता ने वहां से खबर भेजी है कि यहां तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों में काफी जोश दिख रहा है, काफी उत्साह दिख रहा है और वह बार बार ममता बनर्जी को सलाम कर रहे हैं, ममता बनर्जी को प्रणाम कर रहे हैं और ममता बनर्जी के संघर्ष को लेकर बातें कर रहे हैं और यहां की जनता को भी धन्यवाद दे रहे हैं। कैनिंग पूर्व से शौकत मुल्ला को कामयाबी मिली है और कैनिंग पश्चिम से परेश राम दास को कामयाबी मिली है। दोनों उम्मीदवारों से, दोनों जीते हुए उम्मीदवारों से हमारे संवाददाता उज्जवल सरकार ने बातचीत की। आज के तार जे गाले तो थप्पड़ कषे दीते पे एवं इंचिते हिसेब नब जे भाव कैनिंग पूर्वे आगुन जालान चेष्टा फावड़े आगुन जालान चेष्टा आगामी दिन इंचिते इंचिते हिसेब नेब तारपर सुनब जे आगुन ओरा जालान चेष्टा कर आगुने ओदेरके पुड़िए मारब एटा आजकेर अन कैमरा एखाने बोले जाच्छे खूब परिष्कार भावे खेला तो शुरू हो এবারে খেলাটা ভয়ঙ্কর খেলা শুরু হবে আগামীকাল থেকে। আগামীকাল থেকে যে খেলা শুরু হবে সেই খেলা আপনারাও দেখতে পাবেন। যারা ধর্ম নিয়ে আগুন লাগাতে চেয়েছিল সেই আগুনে তাদেরকে পুড়িয়ে মারব। ধর্ম ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কোনো কম্প্রোমাইজ নয়, ধর্ম ব্যবসায়ীর সঙ্গে কোনো আপোষ নয়। সে যে ধর্মের মানুষ হোক, হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, খ্রিস্টান হোক, আদিবাসী হোক, আমরা ঘৃণা করি এটাকে। তাদের উচিত শিক্ষা আগামী দিনে ক্যানিং পূর্ব সহ গোটা বাংলার মানুষ তাদেরকে দেবে। যখন নির্বাচন বিধি চালু হলো সেখানে আপনার এলাকায় কিন্তু বহু আইএসএফ কর্মীদের কাছে মারধর হয়েছিল আপনার কর্মীরা, কি বলবেন আজকে তো জেতার পরে? তাদের পুলিশের একটা অংশ হাওড় থানার ওখানে ডিএসপি সরাসরি বিজেপি আইএসএফ এর দালালতি করেছে আমাদের কর্মীদের, ওরা আমাদের বোম মেরেছে। পরবর্তীকালে থানায় গিয়ে দেখছি আমাদের না আমাদের ছেলেদের নামে কেস, আমাদের ছেলেরা কোর্টে জামিন দিতে গেছে সেখান থেকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। একটা অংশের ঘুষখোর পুলিশ অফিসার, যে ঘুষখোর পুলিশ অফিসার যারা বিজেপি দালালতি করেছিল, আইএসএফ চামচাগিরি করেছিল, আগামী দিনে হিসেবটা কোড়ায় গুন্ডা তাদেরকে হবে। দালালদের আগামী দিনে উচিত শিক্ষা তাদেরকে দেব, এটুকু বলতে পারি। कहते हैं लोकतंत्र में, जमहूरियत में जनता का बहुत बड़ा रोल होता है। जनता, आवाम जिसे चाहेगी उसी को जनप्रतिनिधि बनाएगी। यही हुआ पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में बहुत सारी अपेक्षाएं रखे हुए थे लोग भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी ऐसा सोच रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा भी जा रहा था कि अब की बार 200 पार, लेकिन बिल्कुल उलट गया मामला। जनता जिसको चाहती है उसी को चुनती है, ये साफ हो गया। तो पश्चिम बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस को चुना और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों को दिल से चुनकर सामने लाया और जनप्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया और आखिरकार एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर तृणमूल कांग्रेस काबिज होने जा रही है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है और आप हमारे साथ बने रहें, आप तक तमाम अपडेट्स पहुंचते रहेंगे। आप हमारे खास बात इंडिया के फेसबुक पेज पर भी बने रहें, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप बने रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ बने रहें, पल पल आप अपडेट रह पाएंगे। हमारे वेबसाइट www.khasbaat.co.in पर भी आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।